गुरु जी, नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा का क्या महत्व है? सो जो ऊर्जा निकली, ऊर्जा के सात रूप हैं, सात जो रूप हैं माँ दुर्गा के, आठवां रूप उनका बीज एनर्जी है महागौरी के रूप में, और उस बीज का मैनिफेस्टेशन है नौवीं ऊर्जा सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री। सो पहले वाले में हमने समझा, वो पहली ऊर्जा थी जिसको हम गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं, ये ऊर्जा को उससे ज़्यादा अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। सेकंड जो ऊर्जा थी ब्रह्मचारिणी की, ये एक डिसिप्लिन ऊर्जा थी जो सब चीज़ों को अहम एक डीएनए क्रिएट करने वाली थी। ब्रह्म मतलब नॉलेज या डीएनए आप समझ लीजिए, वो क्रिएट करने वाली ऊर्जा थी। उसको हमने क्लीन कैसे किया, सेकेंड डे चंद्रमा में रह करके, तो आपके बॉडी की भी जो डीएनए है वो क्लीन हो जाती है। तीसरी जो ऊर्जा है वो थी चंद्र घंटा, जो फ़ोन बजते हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इसी ऊर्जा के कारण ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस ऊर्जा को साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ निकाला है, और इतनी डेवलपमेंट जो दिख रही है इस ऊर्जा को निकालने के कारण हो रहा है। जो सूक्ष्मतम रूप है, जो सबसे सूक्ष्म ऊर्जा थी, सेल पुत्री थी, और बोलते हैं कि एक एटम के फूटने से जो नागासाकी पे जो बम गिरा था उससे 200 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा थी वो। सो उसी ऊर्जा का चौथा पार्ट है कि जो ऊर्जा वेव में जा रही थी, वेव में जा रही थी, अब पूरी वेव पूरी ऊर्जा को एक अंडे में डाल दिया, गर्भ में डाल दिया, और उसी गर्भ में सारी की सारी सृष्टि समाई है। सारी सृष्टि मतलब सारी सृष्टि, लाइक आप ऐसा समझिए कि जैसे कोहड़े, कुष्मांड का मतलब भी वही होता है, जो पेठा है, पेठा, पेठे के जैसा ये पूरी सृष्टि हो गई। पृथ्वी नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरी सृष्टि। और उस पेठे के अंदर जो दाने हैं, बीज हैं, बीज हैं, वो समझिए एक एक पृथ्वी है, या एक एक पूरा का पूरा सौरमंडल है। तो कितने सौरमंडल हैं इसमें, इतने जितने बीज हैं उतने सौरमंडल है। वो एक बीज के अंदर, फिर उसके अंदर फिर सूर्य है, उसके अंदर भी फिर जो बीज का बीज रूप है या उसके ऊपर के गुदा हैं। तो आप इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है। तो जो ये इस पूरे सृष्टि को बांधने वाली जो ऊर्जा है, जो इस प्रकार से बांध के रखी है ताकि कोई भी चीज़ एक दूसरे से टकराए नहीं, सब सर्कुलर है, सब मूविंग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से फ्रिक्शन फ्री होकर के ये चलती रहे। अब ये जो व्यवस्था है, इस संभालने का जो पूरा काम है, जैसे वो सारे बीज एक सब अंदर हैं लेकिन सब टकराए नहीं, दूसरे के ऊपर नहीं है, सब ना व्यवस्थित रूप से आप देखेंगे, अगर उस काटेंगे आप एक एसगार्ड को, तो बहुत ही व्यवस्थित आपको बीज दिखेगी, इतनी व्यवस्थित कि प्री डिज़ाइंड आपको लगेगा ये पूरी स्ट्रक्चर्ड है। तो वही चीज़ हमारे सृष्टि के इसमें है, और वो इसलिए है क्योंकि ये ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? कुष्मांडा की ऊर्जा है। और इस ऊर्जा को क्लीन करने के लिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने जो मेडिसिनल हर्ब्स बताया वो भी यही पेठा है। तो पेठा अपने आप बहुत पावरफुल है, आपके अंदर के इस एनर्जी को जो आपके ऑर्गन्स को बांध के रखता है, ऑर्गन्स मूव करते हैं, उस मूवमेंट को बांध के रखता है, उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन से फिर क्या होगा, फ्रिक्शन से फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होगी या इन्फ्लेमेशन होगा। वो फ्रिक्शन फ्री जो मूवमेंट है, आंखें मूव हो रही है, कान मूव हो रहा, गला, सब कुछ जो फ्रिक्शन फ्री जो मूवमेंट है वो, क्योंकि जो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो जो एनर्जी है बड़े रूप में वही सूक्ष्म रूप में अपने अंदर है। तो चौथे दिन चार घड़ी तक हम लोग लगातार चंद्रमा में ही थे, अभी तक जब तक चंद्रमा है,
और आपको अपनी एनर्जी भी क्लीन करनी चाहिए। तो दिन में उपवास करें और रात्रि में चंद्रमा के उस शीतल डिटॉक्सिफाइंग एनर्जी का आप ग्रहण करें, आप श्रवण करें, ग्रहण करें और ध्यान के साथ करें, बहुत आनंद आएगा। और जो जीवन की जो असली जो खुशी है, जो हल्कापन है, जो ब्लेस बोलते हैं जिसको, स्पष्टता बोलते हैं जिसको, क्लैरिटी जिसको बोलते हैं, वो क्लैरिटी आपके आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर के सूक्ष्म एनर्जी क्लीन होते जाएंगे, जीवन बहुत क्लीन, स्पष्ट और साफ सुथरी दिखने लगती है। तो फुल्ली थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया ये चौथी ऊर्जा। तो कल हम लोग बात करेंगे पांचवी ऊर्जा और वो है माँ, स्कंद माता। तो कल जा करके ये ऊर्जा जो पुत्री थी, अब जो गर्भ है, कुष्मांड का दूसरा जो डिपिक्शन होता है वो एक घैला भी होता है। तो इसका अगर आप पिक्चर देखेंगे जो हमारे ऋषियों ने बनाया, तो उसमें जो माँ है वो एक घैला लेके बैठी है, तो ये गर्भ का एक सीन भी है। तो कल अब वो माँ बनेगी, तो स्कंद माता ये एनर्जी आएगा एंड देन फिर आगे की जर्नी एक एक दिन करके मैं कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।